ओहो भाई यार, ये तो उड़ने से पहले खत्म हो गया। सांसें इसकी रुक चुकी है। एक पंखड़ी काम कर रही है, एक पंखड़ी काम नहीं कर रही है। उड़ने का इसका मन नहीं कर रहा, लेकिन हम जबरदस्ती उड़ा रहे हैं। और इससे पहले आप देख लो क्या हालत है इसका। बिल्कुल थोड़ी देर उड़ा और लेकिन मजे हमने इसके साथ बहुत ज्यादा लिए। और वीडियो आपको समझ में आ जाएगी कि इस वीडियो में कि 500 रुपये की जो हमने जो ड्रोन खरीदा है, या फिर हमें खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। पैसा वेस्ट तो नहीं है हमारा 500 रुपये, लेकिन ऑनलाइन बिल्कुल भी मत देखना। ऑनलाइन भैया आपकी मोटी रकम जाने वाली है। वीडियो पूरी देखो और जानो भैया ड्रोन है या फिर आपका पैसा वेस्ट है। उड़ा उड़ा उड़ा, उड़ जा, उड़ उड़ उड़, कौवा उड़, भैंस उड़। ये तो आशा की लहर है। ये बच्चों वाला भी जो ड्रोन है तो मार्केट में वो भी चल रहा है काफी ज्यादा, लेकिन ये ड्रोन अभी मार्केट में हाल ही में आया है ऐसा बिल्कुल नहीं, काफी टाइम से चलता आ रहा है। लेकिन आज इसके अनबॉक्सिंग करके देखेंगे। और 14 प्लस वाला ये है आपका ड्रोन, बच्चों के लिए स्पेशली ये बनाया गया है। और खासकर इसके अंदर कैमरा भी दे रखा है, एक नहीं दो दो आपको कैमरा देखने को मिलेंगे। और इसका प्राइस कितना आप हैरान हो जाओगे, सिर्फ 500 रुपीज। 500 रुपए का है ये ड्रोन, बताइए। तो ये ड्रोन गाइस आपको 500 रुपए का देखने को मिलेगा। और इसमें आपको नाम है फोल्डेबल ड्रोन K3NE99 Pro। ये नाम है इसका, तो आप देख सकते हो। और ये ड्रोन है वैसे, इसमें आपको तीन आपको डिजाइन देखने को मिलेंगे। डिजाइन का कलर मान लो व्हाइट, ब्लैक और आपका ऑरेंज, ये तीन कलर देखने को मिलेंगे। बाकी आपका इसमें जो फैसिलिटी वगैरह रखी, क्या फीचर है, बैटरी है, दो एक्स्ट्रा बैटरी आपको देखने को मिलेंगी, डुअल कैमरा है और आपका सेंसर भी इसमें देखने को मिल जाता है। फोल्डेबल ड्रोन आपका है ही, और आप फोन को अटैच करके इसमें यूज भी कर पाओगे। 14 प्लस इसमें आपका ऊपर ही आपको दिख रहा होगा, मतलब बच्चों के लिए स्पेशली ये ड्रोन बनाया गया है। तो ठीक है, निकालो देखते हैं, उसके अनबॉक्सिंग करते हैं और हमें क्या है ड्रोन हमारे लिए यूजफुल है या फिर नहीं है। बॉक्स पर खाली है तो हमारा ड्रोन है, एक अंदर बॉक्स आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। और सीधा ठीक है, ये हमने निकाला, उसके बाद हमारा बॉक्स के अंदर ये निकलता है हमारा एक ड्रोन। कुछ हमारी एसेसरीज भी है इसमें, तो ये हमारा ड्रोन है, हम इसको निकाल रख लेते हैं एक साइड में, हमने रखा। और ये हमारे मिलता है हमारा गिम्बल, यानी कि हमारा स्टैंड रिमोट कंट्रोल इसको ड्रोन को उड़ाने के लिए। बाकी हमारा जो जाता है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हमारे यहाँ पे एक साइड में मिल जाता है झोली के अंदर ही, जो हमको यूज करने में थोड़ा हमारा यूजफुल रहेगा। और ये मिल जाते हैं कुछ इसके एसेसरीज, यानी कि इसका प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टैंड वगैरह मिल जाते हैं, जो हमारे दीवार में ये लकट टकराए ना, तो कुछ एसेसरीज यहाँ मिल जाते हैं। और हाँ, तीन एक्स्ट्रा इसमें, तीन चार मिलता, चार एक्स्ट्रा इसमें पंखड़ियां मिल जाती हैं। वैसे तो इसमें ऑलरेडी सभी में लगा हुआ है ना, हाँ सभी में ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। और इसमें आपको चार एक्स्ट्रा एसेसरी मिल जाती हैं, ये पंखड़ियां एक्स्ट्रा। तो ठीक है, 500 रुपए में ज्यादा बुरा नहीं है। और ये आपका मैनुअल गाइड, अगर आपको समझ में नहीं आए इसको उड़ाते कैसे, तो आप इसको पढ़ सकते हो। कुछ चाइनीज में है और कुछ आपका इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा, कोई नहीं आपका आइडिया मिल जाएगा। और आपका एक तरह ये भी आपका चाइनीज ये, और ये आपका इंग्लिश में है। तो इस तरह का आपको ये बार कोड दे रखा है, जिसके जरिए आप इसका ऐप को डाउनलोड करके आप इसको यूज कर पाओगे। वैसे तो आपके डब्बे के ऊपर भी आपको ऐप ये दिखने को मिल जाता है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाकर आप ये लिखोगे K3NE99 Pro, ये भी लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऐप है वो आ जाएगा, उसे आप डाउनलोड करके आप इजीली से यूज कर पाओगे। वैसे ऐप इससे भी आ जाएगा, या आप स्कैन करके भी आप इसको ऐप को निकाल सकते हो। तो ठीक है, बाकी चीजें रखते हैं हम एक साइड में। और हमारा मेन मुद्दा था हमारा ड्रोन का, जो काफी कम चीपेस्ट प्राइस में आपको ड्रोन देखने को मिल जाता है। और ये आपका रिमोट है, और काफी ठीक ठाक रिमोट आपको देखने को मिलेगा, ठीक ठाक है। और ये आपको दे रखे हैं कुछ सिग्नल टाइप, जैसे दे रखे हैं बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हो गया एक्स्ट्रा बटन है नहीं है। तो ठीक है, ये इतना आपको बटन देखने को मिल जाते हैं। और ऑन तो चालू, ठीक है तो चालू आपका हो चुका है, इसी से ऑफ ऑन ऑफ इसी का सिस्टम दे रखा है। और नीचे आपको जो फोन लगाने के लिए सिस्टम आपको नीचे दे रखा है, आप इससे निकालोगे, ये मैंने निकाला, तो यहाँ पे आप अपना फोन को फंस सकते हो, थोड़ा और खींचोगे यहाँ पे अपने इजीली आप फोन को लगा सकते हो। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है काफी चीप है, यानी कि आप हल्के सी भी थोड़ी सी आप अपना फोर्स लगाओगे तो ये पूरा निकल के आपका हाथ में आ जाएगा। काफी चीप क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, हल्का सा प्लास्टिक है, बहुत ही मतलब हिलने वाला प्लास्टिक है, हल्का सा आपने फोर्स लगाया और हाथ में आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन ज्यादा फोर्स मत लगाना, अगर आप बातचीत से लेने की आपका माइंड बनता है तो। पीछे की तरफ आपको देखने मिल जाएंगे तीन बैटरी, इसमें आप लगा के इसको भी आपको जाहिर सी बात है वो इसको पावर की जरूरत पड़ेगी अगर आपको यूज करना है तो। और ये चीज आपको देखने मिल जाती है। और अब आते हैं अपने ड्रोन के पास, ये हमारा ड्रोन है जो छोटा सा आपका एक हथेली के बराबर का आपको ड्रोन देखने को मिलता है। ये मेरा हथेली है और यहाँ पे मेरा छुप चुका है ड्रोन। 500 रुपए में आपको ये ड्रोन देखने को मिल जाता है।
और ये चीज मैंने यहाँ पे ऑन करी, ठीक है, फोल्ड है अच्छी तरह। ओके ये मैंने ऑन यहां से निकाला, ये पहले ये लो जी आपका रेडी है। अब आपका एक चलता फिरता उड़ने लायक एक आपका ये ड्रोन, तो इस तरह आपको ड्रोन ये देखने को मिल जाता है, तो काफी ठीक ठाक मैं इससे कहूंगा। और साथ में इसका ये आपको प्रोटेक्शन होता है, बाचा आपसे उड़ाते समय दीवार में ना लगे तो आपका ये लग जाएगा यहाँ पर सिस्टम में। ये ऑन कर लगाया और यहां से आप इसको लगा सकते हो, थोड़ा सा आपको फंसाना पड़ेगा, लॉक वगैरह पे दे रखा है, ये लॉक है, मैं एक बार फंसा देता हूँ। हाँ फंसाने के बाद ऑटोमेटिकली आप यहां से डाल दो प्रेस। ओके शायद आई थिंक ऐसे कुछ फंस चुका है, कोई ना, आप इस देख लेना, मैं मुझे ज्यादा नहीं, मुझे थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा, बाकी चीज को हम इसे रख देते हैं साइड में। आपको उड़ाने के लिए इस तरह आपका कम रहेगा, ऑन ऑफ के लिए आपको ये बटन यहाँ पे दे रखा है, और नीचे की तरह आपको दिखने मिल जाएगा छोटा सा आपको माइक्रोफोन, बहुत ही बारीक कैमरा है, और इससे शायद काफी क्वालिटी में काफी बच्चे वाला कैमरा उस हिसाब से क्वालिटी में दे रखी है, बोलो बाल के बराबर कुछ है, मुझे तो कैमरा दिख भी नहीं रहा, जूम करूंगा शायद मुझे चमक जाए। एक कैमरा देखने मिलता है और दूसरा कैमरा आपको दिखने मिल जाता है, ये वाला मेरा एक कैमरा आपको यह मिलता है, ठीक है, डुअल कैमरा है, मतलब आप उड़ाते समय नीचे का देख रहा तो नीचे देख सकते हो, और आपको ये कंट्रोल करते समय देखना ये देख सकते हो, सब ठीक ठाक मिल जाता है, मतलब 480p का आपको कैमरा क्वालिटी देखने मिल जाती है। वैसे तो डब्बे में लिखा हुआ है कि 1080p है, लेकिन क्वालिटी आपको 480p की आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। तो ठीक है, ऐसे उड़ा के देखते हैं एक बार हम, शायद हमारा ऑन हो जाए, चलो एक बार ऑन हो, शायद हमारे ऑफ, बैटरी चार्ज है नहीं इसकी, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। तो बैटरी आपकी निकलेगी इस तरफ से, ये मैंने फोर्स दबाया, और फोर्स दबाने के बाद ये हमारी बैटरी हमारे हाथ में आ चुकी है, ठीक है। और इस चीज में आपको ये एक्स्ट्रा बैटरी देखने मिलती है, और एक एक्स्ट्रा बैटरी मैंने चार्जिंग पे मैंने लगा रखी है, और इस चीज को मैं दिखाता हूँ दोबारा, ऑन हो जाना चाहिए, आई थिंक ये साइज चार्ज का चार्ज नहीं है, और हाँ तो ये भी आपका एक एक्स्ट्रा पार्ट आपको दे रखा है। अगर आपको इसको निकाल कर आपको सिर्फ ड्रोन यूज करना, कैमरा यूज नहीं करना है, तो कैमरे का अलग हिस्सा आप निकाल भी सकते हो, ये हिस्सा है, आप इसे मैं खींचूंगा, थोड़ा सा मुझे उंगली जा नहीं रही है, और ऐसे आप निकाल के अलग से आप इसको रख भी सकते हो, वैसे इसमें जरूरत नहीं है, आप जाहिर सी बात है ये बच्चों के लिए है, तो आप ज्यादा छेड़छाड़ मत करना, जैसा ऐसे रहने देना, उन्होंने इसमें एक्स्ट्रा फीचर दे रखे हैं, इनको यूज करना है या फिर नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर खाली उन्होंने यूज के हिसाब से इसमें दे रखा है। 500 रुपए का ड्रोन है, और इसमें आप और क्या लोगे, ठीक ठाक देखो मिल जाता है। बैटरी के इसकी बात करें तो बैटरी आपको इसके अंदर देखने मिलती है, कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसको यूजिंग के लिए आप इसमें कर पाओगे, एक बैटरी आपको 15 से 20 मिनट आप निकाल देगी, दूसरी बैटरी 15 मिनट, मतलब आधा घंटा आपका तकरीबन आप इसमें यूज कर पाओगे, 500 रुपए में आपका ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। तो गाइस 2 घंटे से चार्जिंग पे लगाने के बाद भी तो ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा, मतलब 2 घंटे मैंने चार्जिंग पे लगाया मैंने, और इसको आधे घंटे करीब लगाया, और इसे लगाया 2 घंटे करीब इस वाली बैटरी को, तो इसमें इशू आ रहा, तो क्या आ रहा है, शायद इसे मैं पूरा दिन लगाकर रखूं तभी चार्ज हो जाए, कुछ पता नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में जब इसे मैंने इसे लेकर आया था तो 1 टाइम मैंने इसे यूज करा था, ये उड़ा भी था, और तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसे यूज करा, हवा में फ्लाई भी करा, कई बार नीचे गिरा, और कई बार मैंने यूज अच्छी तरह करा था, लेकिन अब ये वर्क नहीं कर रहा है, खासकर वीडियो बनाने के टाइम पता नहीं क्या दिक्कत आई है, ऑन ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हाँ लेकिन जो उसका रिमोट है वो आपका ऑन अच्छी तरह हो रहा है, ये आपका वर्क कर रहा है रिमोट, क्योंकि अंदर सेल डले हुए हैं, अच्छी बात है। मुझे लगता है इशू होगा शायद बैटरी का इशू हो सकता है, और बाकी तो और कोई इशू मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऑन आपका बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 500 रुपए का मैंने बाय करा था। और आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये लेना चाहते हो तो आपसे कहाँ बाय आप चेक करोगे, ये आपका मिलेगा सिर्फ चांदनी चौक में कैमरा वाली मार्केट के अंदर, 500 रुपए का आपको ये मिलेगा, और आप इसको ऑनलाइन बिल्कुल भी लेने की मत सोचना, ऑनलाइन अगर आपसे ढूंढोगे तो इसका प्राइस एक्चुअली में जो मिलेगा 4,500, 5,000, 6,000, 8,000 बहुत महंगे महंगे इसका प्राइस मिलेगा सेम इसी कैमरे का, जो आपको 500 रुपए में सिर्फ चांदनी चौक में मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली में अगर नजदीक आप कहीं रहते हो तो आप जाकर इसको बाय कर सकते हो, लेकिन खास कर आप वहां पर जाओ तो उसको अच्छी तरह अपना सामने ही से चेक करके यूजिंग के साथ ये तब बाय करो, तो अच्छी बात है, कोई 500 रुपए की कोई चीज होती है तो ठीक है, क्योंकि मेरे वर्क कर रहा था, क्या मेरा ये भी बैटरी इशू कुछ हो सकता है या फिर शॉर्ट होगी बैटरी वगैरह, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने यूज करा तब वर्क कर रहा था, उस टाइम की मेरी वो वीडियो मैंने क्लिप बनाई नहीं, सोचा था आपके साथ मैं इसके ड्रोन को शेयर करूं
वो भी गया। तो यही चीज था इसका ड्रोन का, अभी ऑन होना चाहिए, गिरा तो है भाई, बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा। तो ये थी गाइज हमारे 500 रुपए के ड्रोन की हमारी वीडियो, जो आपके वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो पैसा वसूल मैं बिल्कुल ही नहीं कहूंगा, क्योंकि 500 रुपए हैं आपके स्टार्टिंग में, सिर्फ आपको 15 मिनट को ही आपकी फुल हैप्पीनेस दिया, मजे मिले 15 मिनट के, उसके बाद आपका कुछ नहीं है। तो ठीक है, इतना ही था। तो ठीक है गाइस, हमारी आज की वीडियो सिर्फ अनबॉक्सिंग जो कुछ था हमारे इस छोटे सा मिनी ड्रोन का था, जो आपके 14 साल के जो बच्चे वगैरह होते हैं जिनके लिए यूजिंग के लिए देता है, क्या फिर हमें उस ड्रोन को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ऑनलाइन तो मैं इस ड्रोन को बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि यही ड्रोन आपको सेम ऑनलाइन पे काफी कॉस्टली प्राइस पड़ेगा, और ये ड्रोन आपको ऑफलाइन में काफी चीपेस्ट प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। सेम आपका ड्रोन है ये वाला है, आप इस ड्रोन को देख लेना, जब आप Amazon Flipkart पे इस ड्रोन को आप डाल कर देखोगे आपके सामने सेम प्राइस काफी कॉस्टली पड़ेगी। और ये ड्रोन मैंने बाय करा है, ये वाला ड्रोन, इसको मैंने बाय करा सिर्फ 500 रुपए में, वो भी ऑफलाइन चांदनी चौक से। तो ठीक है, इस मिलते नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। मैंने कोशिश तो करी कि आपको मैं इस ड्रोन को मैं चार्ज करके दिखाऊं, मैं तकरीबन इस अपनी इस बैटरी को मैंने 2 घंटे चार्जिंग पे मैंने लगा के रखा, आधे घंटे मैंने इस बैटरी को भी ये अंदर लगी पड़ी है इसको मैं चार्जिंग पे लगा रखा, लेकिन बिल्कुल भी मेरा ऑन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में ही मेरा ये बिल्कुल भी वर्क कर रहा था, बड़ा मैं 10-15 मिनट चलाया, लेकिन ये वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहा, पता क्या है, शायद इसको पूरे दिन लगा कर रखूँ तब आपको चल जाए, लेकिन मेरा वेस्ट है 500 रुपए जाया गया। आपको वीडियो अच्छी लगता है इस वीडियो आप लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं इस वीडियो में इसी तरह की और किसी नई वीडियो के साथ। तो गाइस जय हिंद जय भारत।